आज से कोई 450 साल पहले यह जगह एक गुमनाम गांव थी और उस वक्त शहंशाह अकबर ने फैसला किया कि वह मुगल साम्राज्य की नई राजधानी का निर्माण यहां करवाएंगे। गुजरात की जीत का जोश बाकी था और इसीलिए इस जगह का नाम रखा गया फतेहपुर। जिस समय फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया उस समय चारों तरफ शांति और सुव्यवस्था थी। मुगल साम्राज्य का सूरज आसमान में चमक रहा था। अकबर की ताकत को चुनौती देने वाली कोई दूसरी ताकत हिंदुस्तान में नहीं थी और इसीलिए इस दुर्ग नगरी को न कभी किसी घेराबंदी का सामना करना पड़ा न किसी बड़े आक्रमण का। जितनी उपलब्धियां फतेहपुर सीकरी के साथ जुड़ी हैं वह शांति और समृद्धि की है। दिल्ली से लगभग 225 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी का किला उत्तर प्रदेश में स्थित है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने सिर्फ इसलिए नहीं किया था कि वह दुनिया को यह दिखला सके कि इसको बनवाने वाला कितना ताकतवर और अमीर इंसान है। उसका असली मकसद दूर तक फैले हुए मुगल साम्राज्य के सभी हिस्सों को एकता के डोरे से बांधना था। यहां इमारतों का बाहरी सौंदर्य बेमिसाल है, पर यह विचार हर जगह मन में कौंधता है कि ये सब आध्यात्मिक सौंदर्य की उपासना के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। अकबर को सीकरी से बेहद लगाव था। इसके साथ उसके जीवन की दो मीठी यादें जुड़ी थी, गुजरात पर जीत और उसकी सल्तनत के वारिस शाहजादा सलीम के जन्म की। He supervised the building of this fort. He had his son, which was the most important thing for him, which was the raison d'etre for him to build Fatehpur Sikri, and that he could visualize the fusion of the cultures exemplified in the architecture. फतेहपुर सीकरी की पहचान बुलंद दरवाजे से ही है। किले के भीतर जाने के लिए बना यह द्वार अपने भव्य आकार से आसपास के दूसरे भवनों को अनायास ही बौना बना देता है। देखते ही आदमी को यह एहसास हो जाए कि वह जिस जगह प्रवेश कर रहा है वो असाधारण है और दहलीज पार करते ही इस माहौल में उसका अपना आचरण इस किले की महिमा और गरिमा के अनुकूल ही होना चाहिए। Gateways are actually statements, you know, that symbolize power and authority of the space. When you're standing next to a gateway of that scale, it's the monumentality that strikes you, which is most impressive. And that's the entire idea of, you know, someone entering or being at the entrance of a palace complex or fort. शहंशाह अकबर के ऊपर सूफियों का बड़ा प्रभाव था और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसने नई राजधानी के निर्माण के लिए इस जगह का चुनाव इसीलिए किया था कि प्रसिद्ध सूफी पीर सलीम शाह चिश्ती यहां गद्दी नशीन थे। इन्हीं ने अकबर के वारिस के जन्म की भविष्यवाणी की थी। सलीम चिश्ते आपका
ख्वाजा सलीमान सलीम चिश्ते आका सलीम चे सीमला हा बात कर दो दिल की दुनिया सलीम चिश्ते आबाद दुनिया के कोने कोने से लोग औलाद की ख्वाहिश से तमाम विशेष मांगने के लिए यहाँ पर हाज़िरी देते हैं, मिन्नत का धागा बांधते हैं और उसके बाद जब उनकी मिन्नतें पूरी हो जाती हैं तो फातह ख्वानी करते हैं, तबरुकात बांटते हैं, प्रसाद बांटते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक और वो सिलसिला आज तक जारी है। बादशाह अकबर सभी धर्मों के प्रति समान आदर का भाव रखते थे और उनकी सोच मानवतावादी और उदार थी। और यहाँ फतेहपुर सीकरी में उन्होंने बेहद सुंदर जामी मस्जिद का निर्माण करवाया। इस मस्जिद में अकबर के कला प्रेम और सुरुचि के दर्शन होते हैं। इस मस्जिद के अंदर चले जाइए तो आपको ये मालूम होगा कि आप किसी जैन टेम्पल में आ गए। आज भी जैन आर्किटेक्ट मौजूद है, हिंदू आर्किटेक्ट मौजूद है, बाइज़ेंटाइन आर्किटेक्ट मौजूद है, महलों में बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट मौजूद है। मस्जिद के खंभों, दीवारों और मेहराबों से ये बात साफ झलकती है कि सजावटी डिजाइनों की प्रेरणा हिंदू भवनों के अलंकरण से ही मिली है। कहीं कमल तो कहीं कलश तथा कहीं घंटियां जैसे प्रतीक चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस देश के महानतम शासकों में जो नाम सबसे पहले याद आता है वह अकबर का है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह पराक्रमी योद्धा था, बहुत बड़ा विजेता था, बल्कि इसलिए भी कि उसमें समझ थी इस बात की कि इस देश की एकता और अखंडता की रक्षा तभी की जा सकती है जब यहाँ रहने वालों के मन में भावनात्मक एकता हो। यही फतेहपुर सीकरी में रहते उसने कल्पना की थी दीन इलाही की और सुलह कुल की, उन नीतियों की जिनसे बढ़ावा मिलता था सांप्रदायिक सद्भाव को और आपसी सामंजस्य बढ़ता था। फतेहपुर सीकरी के भवनों में भी हमें इसी सोच के दर्शन होते हैं। यहाँ उन शैलियों का संगम देखने को मिलता है, एक अनूठा संगम इस्लामी और हिंदू कला शैलियों का जो अन्यत्र दुर्लभ है। यहीं से शुरुआत हुई है उस गंगा जमनी तहजीब की जो हमारी साझा विरासत का बहुमूल्य हिस्सा है। पंचमहल एक पांच मंजिला मंडप है। इसमें दीवारें नहीं है और जिन 84 स्तंभों पर छत टिकी है वे भी बहुत नजाकत से सवारे गए हैं। पंचमहल मुक्ति का और खुलेपन का एहसास कराता है। इसमें खड़े व्यक्ति को ये लगता है कि भवन के भीतर भी उसका नाता प्रकृति से टूटा नहीं बना हुआ है। The most unique aspect of Fatehpur Sikri, in fact, is a reflection of Akbar's own personality. It was the beginning of a secular era that he was starting. And you see that reflection in the spatial planning and architecture of Fatehpur Sikri.
till date, architects find it one of the most outstanding examples where you see a spatial fusion of the Mughal architecture with the indigenous Hindu architecture. अनूप तालाब दालान के बीचों बीच बना है। इसका इस्तेमाल एक ऐसे खुले मंच के रूप में किया जाता था जहां बादशाह अपने मन पसंद संगीत का आनंद लेते थे। What Akbar really stood for was the fact that he understood and respected what India meant. He wanted to be a part of all the religions India represented. And yet he was very firmly rooted in his own culture. महल का जो हिस्सा अकबर के निवास के लिए बनाया गया था वह किले का सबसे अंतरंग हिस्सा है। इसी भवन में अकबर का पुस्तकालय था जहां दुर्लभ पांडुलिपियों और सुंदर चित्रों का बहुमूल्य संग्रह था। शयन कक्ष को ख्वाबगाह का नाम दिया गया था। The whole idea of being in his ख्वाबगाह where he could dream the impossible dream. He could dream of a unification of all the faiths of spiritual unity of the multiple faiths of India coming together. इबादत खाना और दीवाने खास में ही अकबर विभिन्न धर्मों और विद्वानों के वाद विवाद सुनते सुलझाते थे। यहीं अकबर ने दीने इलाही नामक मत की स्थापना की। यहीं सुलह कुल की वह नीति भी अपनाई गई जिसने मुगलों और राजपूतों के बीच स्थायी शांति की नींव डाली। इस भवन की निर्माण शैली प्रतीकात्मक है और खुली सोच को बढ़ावा देने वाली है। चारों दिशाओं से पहुंचने वाले प्रभावों को अपने में समेटने वाला एक स्तंभ विविधता में एकता का प्रभावशाली प्रतीक है। इसे ब्रह्मांड की धुरी भी माना जाता है। अकबर के शासनकाल में प्रशासनिक प्रणाली के विकास में फतेहपुर सीकरी के दीवाने खास का गहरा असर साफ झलकता है। इट वॉज अ प्लेस ऑफ great intellectual discourse, high governance. I mean, he had his Navratans, he had wonderful principles for building and consolidating his empire. This is where Akbar changed how the Mughals were going to rule India. It's where he defined inclusive systems of governance. He brought Jodhabai, he had his son, he celebrated his victories, he celebrated being the great Mughal emperor. So in many ways, Fatehpur Sikri was his statement of empire. Jodha Mahal is baat ka pramaan hai कि अकबर की सुलह कुल वाली नीति सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थी बल्कि वह हिंदू राजपूत परंपराओं का समावेश सार्वजनिक जीवन में करना चाहते थे जो उन्हें सार्थक लगती थी। एकता में विविधता को झलकाते हुए प्रजा में भावनात्मक एकता को पुष्ट कर सकती थी। यह काम उन्होंने खुद अपने घर परिवार से ही आरंभ किया। Jodhabai Palace is typically shows the Hindu kind of temple kind of architecture with the trebeat system where you have beams and columns and intricate carvings on the sandstone which are more figural than geometric in nature and more floral in nature. So it again relates more to the Hindu temple architecture. Thank you.
पगोदा महल की निर्माण शैली लचीली और समन्वयात्मक है, जहां स्थानीय और लोक शैली के साथ साथ शास्त्रीय और औपचारिक धाराओं के दर्शन एक जगह होते हैं। इस भवन का निर्माण जोधाबाई ने अपनी देखरेख में करवाया था और विशेष रूप से तैनात कलाकारों की प्रेरणा का स्रोत वे स्वयं थीं। He genuinely loved Jodhabai and he was genuinely determined to understand her culture and allow her to bring it to his court. So to that extent, he was not an oppressive husband or emperor. He sought the marriage of the two cultures out of love of his wife. यहीं एक रसोई घर भी है, जिसे जोधा की रसोई के नाम से जाना जाता है। हिंदू राजकुल में जन्मी जोधा अपने जन्मजात परिवेश से अपने को बिछड़ा हुआ महसूस ना करें, इसीलिए इसकी व्यवस्था की गई थी। History also records the kind of kitchen areas which was right in front of the Birbal house and the kind of cooking that was used to happen there with the number of, you know, with a variety of spices, cooks from all over the world who would be creating all this. अकबर के शासन काल में मुगल साम्राज्य चोटी पर था। देश विदेश से व्यापारी मुगल आजम की राजधानी फतेहपुर सीकरी पहुंचते थे। ये सराय इस बात का प्रमाण है कि मुगल साम्राज्य की समृद्धि वास्तव में सैनिक अभियानों पर ही नहीं बल्कि वाणिज्य व्यापार पर भी टिकी थी। The great faiths of India together in a single forum. He must have dreamt of an India far greater than what the tenets of any religion were or what the tenets of governance were. And so he was light years ahead of his time as a visionary king. बीरबल महल की सजावट हिंदू प्रतीकों और उसी तरह आकृतियों से की गई है जैसी प्राचीन महलों और मंदिरों में मिलती है। राजा बीरबल का नाम अकबर के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा है। किस्से कहानियों से बीरबल की जो छवि उभरती है वे बेहद हाजिर जवाब विदूषक की है। वास्तव में बीरबल अनुभवी कुशल प्रशासक थे और इसी कारण अकबर उनका आदर करते थे। जब अकबर ने दीने इलाही की स्थापना की तब बीरबल उनके प्रमुख शिष्य बने। The notion of plurality was a notion that Akbar accepted with open arms. His Dine Ilahi was ultimately an attempt to bring Hinduism and Jains and Buddhists and the various sects of Islam together into some kind of a congenial dialogue and realize the fact that ultimately all religions lead to the same ultimate goal. This realization in Indian history was only with Ashok, who had these rock edicts which said, you will not disrespect any religion. And that entire story of Indian, shall we say, pluralism, the Indian respect for diversity and diverse views, got fortified by these two great emperors. दीवाने-आम एक खुला दालान है, जहां बादशाह सलामत अपनी प्रजा को दर्शन दिया करते थे। अकबर के शासनकाल में भारत पहुंचे यूरोपीय यात्रियों ने इसकी शानो शौकत का बड़ा दिलचस्प बखान किया है। But for the brief shining moment that he held court in Fatehpur Sikri, it was at its most learned, at its most cultured.
and perhaps at its pinnacle. ये तुर्की महल है। अकबर अपनी नई राजधानी के निर्माण के बारे में बहुत उत्साहित थे। इसी कारण देश विदेश से लाए शिल्पकारों के लिए रचनात्मक संभावनाएं निरंतर पैदा होती रही। जहां की जो भी चीज अकबर को पसंद आई उसे यहां लाकर फतेहपुर की शोभा बढ़ाने का प्रयास करते थे। तब से अब तक कई सदियां बीत चुकी हैं, पर आज तक कोई भी इस गुत्थी का हल नहीं ढूंढ पाया है कि बस्ती गुलजार होने के पहले ही वीरान क्यों हो गई। अपनी स्थापना के 20 वर्ष से कम समय में ही यहां से राजधानी हटकर लाहौर चली गई। कुछ लोगों का मानना है कि इस शहर को श्राप लग गया सूफी संत का, जिनकी साधना में खलल पड़ने लगा था राजधानी के कोहराम से, कोलाहल से, हलचल से। कुछ दूसरे लोगों का मानना है कि अकबर का मन तब तक खुद उचट गया था इस जगह से, उनका ध्यान अन्यत्र बट रहा था काबुल विजय अभियान की ओर। अकबर का मानना था कि सैन्य संचालन बेहतर होगा यदि राजधानी लाहौर पहुंच जाएगी। कुछ और विद्वानों का मानना है कि बात इससे भी सीधी साधी थी। जब शहर का निर्माण कराया गया तो उत्साह में किसी ने इस बात की पड़ताल नहीं की कि यहाँ पानी है कि नहीं। जल के अभाव में बस्ती कभी वाकई में बसी नहीं सकती। पानी का इंतजाम हर किले में खास अहमियत रखता है। देखने लायक बात यह है कि यहाँ बावड़ी भी उसी नफासत और नजाकत से बनाई गई है जिससे यहाँ की दूसरी इमारतों का निर्माण हुआ है। फतेहपुर सीकरी यहाँ आने वालों को बार बार लौटने के लिए ललचाती है। अकबर ने सदियों पहले सुलह कुल का जो सपना देखा था उसमें आज भी जबरदस्त चुंबकीय आकर्षण है। If I go to Fatehpur Sikri as a tourist, I would love to be able to understand and feel the dreams that Akbar dreamt and to be able to understand the multiple layers at which life must be lived. There must be high sport, there must be great intellectual discourse, there must be profound spiritual belief. There must be everything. When we visit Fatehpur Sikri, we need to dream because it would be as relevant today as it was then. Akbar ka sabse bada sapna tha vividhta se bhare is desh ko ekta ke dhage se pirone ka. Ek din apni saltanat ki sarhad badhane वो एक बड़े लश्कर के साथ निकले तो फिर कभी लौटे नहीं। दुनिया को चकाचौंध करने वाले शहर का सूर्यास्त होने में फिर ज्यादा देर नहीं लगी। हर रोज सांझ ढले जब आसमान में लाल और सुरमई रंग बिखरते हैं तो लगता है कि यह शहर आज भी उनका इंतजार कर रहा है जो जाने क्यों रूठकर अचानक कहीं और चले गए।